हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी अफगानी पनीर मसाला। इसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल हटके होता है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिए। पनीर को हम इस तरह से बड़े बड़े पीस में काट लेंगे। मैंने पनीर यहाँ पर 400 ग्राम लिया है। अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पनीर के पीस। मसाले और पनीर को हम अच्छे से लगा देंगे। मसाले लगाने के बाद हमें पनीर को 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। ये देखिए, हमने मसाले और पनीर को अच्छे से लगा दिया है। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल गरम हो गया है तो इसमें हम पनीर के पीस को रख देंगे। हमें पनीर को उलट पलट करके फ्राई करना है। ये देखिए, पनीर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कितना सुंदर कलर दिख रहा है इसका। अब हम पनीर को प्लेट में रख देंगे। इसी पैन में हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। प्याज को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे काजू और तरबूज के बीज। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। इसे भी फ्राई करेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच बटर। इसे गरम होने देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज और काजू की प्यूरी। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से मिल जाएं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच होममेड दही। इसे भी हम मिला लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही रिच और क्रीमी बनती है। इसका खाने का स्वाद भी बहुत लाजवाब होता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी और इसे हम पका लेंगे।
आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। आप यकीन मानिए आपकी ये फेवरेट रेसिपी हो जाएगी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच क्रीम और इसे हम मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, और कटा हुआ हरा धनिया, इसे हम अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए हमारी अफगानी पनीर ग्रेवी बनके तैयार है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर के पीस जो हमने फ्राई किए थे। हमारी अफगानी पनीर मसाला बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।